पलिया शहर के स्टेशन परिसर में सालों से भीख मांगकर गुजारा करने वाले एक वृद्ध की अचानक मौत हो गई। मामले की सूचना किसी तरह हिंदू युवा वाहिनी के सदस्यों तक पहुंचाई गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे हिंदू युवा वाहिनी के ब्लॉक प्रभारी सत्येंद्र मिश्रा ने पूरे मामले से युवा व्यापारी नेता रवि गुप्ता व सामाजिक कार्यकर्ता आलोक मिश्रा को अवगत कराया। जानकारी होते ही दोनों समाजसेवी मौके पर पहुंचे और वृद्ध के शव के अंतिम संस्कार की व्यवस्था कराने में जुट गए, जिसके बाद शहर से 6 किमी दूर शारदा नदी के तटबंध पर ले जाकर शव का विधि विधान से अंतिम संस्कार किया गया। युवा वाहिनी के सदस्यों व दोनों सामाजिक कार्यकर्ताओं की शहर वासियों ने काफी सराहना की। हिंदू युवा वाहिनी ब्लॉक प्रभारी सत्येंद्र मिश्रा बोल रहा हूँ, जो कि बाबा जी जो थे वो हॉस्पिटल समुदाय स्वास्थ्य केंद्र पलिया में एडमिट हुए थे और ना बीपी हाई होने के कारण एक्सपायर हो गए। हम लोगों को सूचना मिली, तत्काल जो हमारे कार्यकर्ता हैं सबको एकत्रित किया गया है, सारी व्यवस्था करवा दी गई है। जी आलोक जी और रवि जी, आप लोग नगर के समाज सेवी में आपकी गिनती आती है और आज यहाँ स्टेशन पे क्या मामला हुआ, कुछ थोड़ी सी जानकारी दे दें। जानकारी आई है, एक बाबा जी जो कि मांगने का काम करते थे, आज उनका देहांत हो गया है। सूचना पे हम सारे लोग इकट्ठे हुए हैं और यहाँ हिंदू युवा वाणी जो भी नवगठित हुई है शहर के अंदर, सारे उसके बच्चे लोग पदाधिकारी लोग आए हुए हैं, तो हम लोगों ने ये फैसला किया है कि हम लोग अपने हिसाब से इनका अंतिम संस्कार शारदा घाट पे करवाएं। आलोक जी आप बताएं कि जो बाबा की मौत हो गई है, लेकर कुछ सहयोग जिसके द्वारा इनका अंतिम संस्कार कराया जा सके। हिंदू वाहिनियों ने हमको जानकारी दी, हम भी यहाँ पहुँचे और इन्हीं लोगों सबके सहयोग से और ये अंतिम संस्कार किया जा रहा है। मामले की सूचना क्या आप लोगों ने पुलिस को भी दे दी? मामले की सूचना इंस्पेक्टर पलिया महोदय को दे दी।